ससुराल में चोरी। आयशा और विनित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब वो कॉलेज में एक दूसरे के साथ पढ़ते थे तब से लेकर जॉब लगने तक दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। आयशा और विनित पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे और इसीलिए विनित ने अपनी माँ को आयशा के बारे में बताया। लेकिन विनित की माँ सुषमा जी ने आयशा और विनित की शादी के लिए मना कर दिया। माँ, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, समझने की कोशिश तो करिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ देखो बेटा, मैं सब कुछ समझती हूँ लेकिन मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन माँ क्यों, क्या कमी है उसमें? जॉब करती है, दिखने में सुंदर है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखो बेटा, प्रॉब्लम है लव मैरिज में। अरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर मैं एक लड़की को लव मैरिज करके अपने बेटे की बहू बना कर लाऊंगी। ठीक है माँ, अगर ये आपकी जिद है तो फिर मेरी एक बात भी सुन लीजिए। अगर आपने मेरी शादी आयशा के साथ नहीं करवाई तो मैं कभी किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह के वक्त, विनित बेटा कब तक सोते रहोगे, जल्दी उठो। क्या हुआ माँ, अभी तो 7 ही बजे है, रोज तो 8 बजे सोकर उठता हूँ, कुछ काम था क्या आपको? अरे जल्दी बाहर ड्राइंग रूम में आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी माँ? अरे बाहर तो आओ, देखो तो सही तुमसे मिलने कौन आया है। अरे आयशा, तुम यहाँ? मैंने ही बुलाया है इसे। देखो बेटा, मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं गलत थी। आंटी, तो क्या आप विनित को मुझसे शादी करने की परमिशन दे देंगी? माँ, लेकिन कल तक तो आप इस बात से बहुत नाराज थी और फिर आज अचानक। मैंने रात भर सोचा बेटा, और फिर मुझे समझ में आया कि अगर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, बस इसीलिए। थैंक यू सो मच माँ, आप जानती नहीं आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे ठीक है बेटा, मैं पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेती हूँ और जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। 2 दिन के बाद, क्या हुआ माँ, परेशान क्यों लग रही हो, इस तरह क्यों बैठी हैं आप? अरे क्या बताऊं, शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अरे लेकिन माँ हुआ क्या है, सारी तैयारियां तो अच्छे से हो रही है ना, कोई परेशानी है क्या? तुम जानते हो विनित, तुम्हारी दादी ने मुझे एक सोने का बड़ा वाला हार दिया था जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। हाँ मुझे याद है, एक बार आपने मुझे वो हार दिखाया था, काफी बड़ा और भारी हार है वो। बेटा मैंने सोचा था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बीवी को यानी कि अपनी होने वाली बहू को मैं वो हार अपने हाथों से पहनाऊंगी। तो प्रॉब्लम क्या है माँ, अब तो आपकी बहू आने वाली है और आप आयशा से खुश भी है ना, पहना देना उसको अपने हाथों से हार। अरे पहनाऊंगी तो तब ना जब हार मुझे मिलेगा। क्या मतलब, हार कहाँ गया माँ? पता नहीं बेटा, मैंने तो संभाल कर यहीं रखा था, 2 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया या कोई ले गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। शादी वाले दिन, कितनी सुंदर लग रही है मेरी आयशा बहू, किसी की नजर ना लग जाए। तुम्हारा लहंगा बहुत सुंदर है बेटा और ज्वेलरी तो कमाल की खूबसूरत है। माँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आयशा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार भी हो गई और अब इसकी इतनी तारीफ भी कर रही हैं। हाँ तो कितनी प्यारी है आयशा, कोई भी करेगा उसकी तारीफ। अच्छा जरा अपनी ज्वेलरी तो दिखाना बेटा। अरे ये हार तुम्हारे पास कैसे? मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो ये हार मुझे पहनने के लिए दिया था जब मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। ये तुम कैसी बात कर रही हो आयशा, ये हार तो विनित की दादी का हार है जो 2 दिन पहले गुम हो गया था। हाँ आयशा, माँ सच कह रही है,
ये हार तो हमारे घर से चोरी हो गया था, तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने बताया ना विनीत, अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारी मम्मी ने ये हार खुद मुझे अपने हाथों से पहनाया है। तुम इस तरह झूठ क्यों बोल रही हो आयशा? माँ ने मुझे 2 दिन पहले इस हार के खोने की बात बताई थी, और ये हार अब तुम्हारे पास क्या कर रहा है? विनीत बेटा, तुम आयशा से इस तरह से बात नहीं कर सकते। अरे लेकिन आपकी बेटी ने चोरी की है, 2 दिन पहले ही हमारे घर आई थी, और मुझे लगता है कि तभी हार उठा कर ले गई होगी। आपके घर की होने वाली बहू है ये, और आप उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो आपकी बेटी को आनी चाहिए, अपने होने वाले ससुराल में चोरी करती है, है? विनीत अभी पुलिस को फोन करो। देखो आयशा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ विनीत, ये हार खुद तुम्हारी माँ ने मुझे अपने हाथों से दिया है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? विनीत, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उस पर तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो कहती हूँ जल्दी से पुलिस को बुलाओ और इन दोनों बाप बेटी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दो, तभी सच निकल कर बाहर आएगा। शायद आप ठीक कहती है माँ, इस लड़की पर मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, मुझे क्या पता था कि ये चोर है और अपने होने वाले घर में ही चोरी कर रही है। विनीत तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कितनी मुश्किल से हम दोनों की शादी के लिए अपने घर वालों को मनाया है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया है आयशा, लेकिन तुम मेरी माँ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। अरे ये हार वो खुद तुम्हें देने वाली थी। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये हार खुद उन्होंने मुझे दिया है। अगर ऐसा होता तो मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। देखो विनीत बेटा, इस जैसी लड़कियों की ना यही औकात होती है। देखो तुम्हें अभी इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये लो मेरा मोबाइल फोन, और अभी पुलिस का नंबर डायल करो। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आती है। क्या मामला है, आप लोग जरा साफ साफ बताइए यहाँ पर हुआ क्या है? अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की से मेरे बेटे की शादी होने वाली थी और इसने हमारे घर से हार चुरा लिया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हार इन्होंने खुद मुझे अपने हाथों से दिया है। एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। मिस्टर विनीत आप बताइए, ये हार आपके घर से कब गायब हुआ? सर 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझे बताया था कि हार गायब हो गया है। और उस दिन आपके घर कौन कौन आया था? अरे ये लड़की, मैंने खुद इसे अपने घर बुलाया था, क्योंकि मैं इसकी और मेरे बेटे की शादी के लिए मान गई थी। अरे मुझे क्या पता था कि यह लड़की ऐसी चोर है। आप मेरी बेटी के लिए फिर से गलत बातें बोल रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए बहन जी। जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की के पापा भी इस चोरी में शामिल है, अपनी बेटी का पूरा पूरा साथ दे रहे हैं वो। आंटी अगर आप मुझे पसंद नहीं करती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? मैडम आप बताइए, क्या आप 2 दिन पहले इनके घर गई थी? जी मैं इनके घर गई थी, लेकिन इनके बुलाने पर, विनीत से मिलने के लिए, हमारी शादी की बात पक्की करने के लिए। देखिए ये बात आपने खुद कबूल की है कि 2 दिन पहले आप इनके घर गई थी और 2 दिन पहले ही उनके घर से हार गायब हुआ है जो आपके पास मिला है। लेकिन वो हार खुद सुषमा आंटी ने मुझे दिया है। आपके पास कोई सबूत है कि वो हार आपको सुषमा जी ने दिया है? क्या उस वक्त माँ पर कोई था? नहीं उस वक्त कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और सुषमा आंटी थे। कैसी बात करती हैं आप, शादी वाला घर है ये, कोई तो होगा ना आसपास, जरा अच्छे से याद करिए। ये आप मेरे बेटे से किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? विनीत तुम रोकते क्यों नहीं? देखिए मुझे अपना काम करने दीजिए, आपकी बेटी ने चोरी की है और अब आप दोनों बाप बेटी को हमारे साथ थाने चलना होगा। विनीत ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमारा अपमान किया है।
मैंने तुमसे कितना प्यार किया विनित, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी और तुमने तो मेरा मजाक बनाकर रख दिया, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब चुपचाप निकलो इस घर से। आई बड़ी मेरे घर की बहू बनने वाली। आयशा, तुम कभी ऐसा कर सकती हो मुझे नहीं पता था। और तुमसे शादी तो क्या, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए आप इस लड़की को यहाँ से और जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। आयशा और उसके पापा दोनों को जेल हो जाती है और कुछ दिनों के बाद आयशा के पापा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। मिस आयशा, आपकी सजा खत्म हुई, लेकिन अपनी आने वाली जिंदगी में इज्जत के साथ जीने की कोशिश करना। मेरे पापा इस सदमे को झेल नहीं पाए और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। यह सब आपको चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे अब इस बात को एक साल हो चुका है और अब आपकी सजा पूरी हो चुकी है, आप जा सकती हैं। बाहर की दुनिया में कोई मेरे और मेरे परिवार की इज्जत नहीं करता। एक साल पहले जब ये घटना हुई थी तो हमें कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और उसके बाद आयशा जेल से रिहा होकर चली जाती है। जेल से निकलने के बाद कैसी थी आयशा की जिंदगी? क्या वो फिर से विनित से मिलने के लिए गई या फिर उसने अपनी जिंदगी दूसरे तरीके से जीना शुरू कर दिया? जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का दूसरा पार्ट।